भक्ति में जब पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे तो माला की आवश्यकता नहीं। देखो ये विधियां कब तक, यह कर्मकांड कब तक। अध्यात्म में जो कर्मकांड है कुछ लोग विरोध करते हैं, इसका विरोध न करिए, इसका विरोध महाराज विधि कब तक, ये तिलक ये कंठी ये माला कब तक, ये विधि कब तक, जब तक निधि न मिल जाए, जब परमहंस की सी गति आ जाएगी तब इसकी अवस्था नहीं होगी। महाराज बड़े बड़े संत महाराज ऐसे ऐसे महापुरुषों को हमारे वृंदावन में पूज्य भगवान दास जी महाराज, आपने दर्शन किए होंगे भगवान रमण रेती चौराहे पर बैठे बल्लभ बाबा के बगल में महाराज, पागलों के वेश में रहते थे, इसी बंग भूमि से थे, ठाकुर की खूब सेवा खूब अभ्यर्थना करते करते मन ठाकुर में लग गया। एक दिन भगवान के छवि का दीदार हो गया और महाराज अपनी मस्तिष्क जो जगत की थी उसको खो बैठे, मंदिर का त्याग कर दिया, भटकने लगे, पागलों की भांति रहने लगे। महाराज आप उनके ऊपर कंबल डाल दो ठंडी में, ठीक है जब तक कंबल शरण पर है तब तक है, उतर गया तो उतर गया, फिर उसको वो डालेंगे इसकी विशुद्धि नहीं। हाँ ठंडी बहुत लगी, उसी बिस्तरे पर महाराज सड़क के किनारे पड़े रहते, ठंडी लगी बहुत, उसी कंबल को उठाया और उसमें माचिस लगा के ताप लिया। बड़े बड़े संत बहुत पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, पूज्य पल्लू पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, पूज्य बाबा श्री बलराम दास जी महाराज, सब लोग बहुत प्रेम करते उनसे और वो रहते कहते। आप में से बहुत लोगों ने वृंदावन की परिक्रमा की होगी, तो जब आप अंग्रेज मंदिर से आगे बढ़ते हैं रमण रेती की ओर, तो जो चौराहा आता है सुनरख रोड वाला, वहीं पर एक नाली के किनारे पड़े रहते थे। मैंने लगभग 15 वर्ष तक देखा, क्योंकि वही हमारा धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय था, पूज्य पान गुरु जी श्री राजवंशी द्विवेदी जी महाराज से मैं पढ़ता था, उसी के समीप से गुजरता था तो नित्य पड़े रहते। स्थिति यह थी कि महाराज वहीं पर वो अपने नित्य नियम का भी त्याग कर देते, मलमूत्र का विसर्जन करते, लेकिन कभी वहां मक्खी नहीं लगती, कभी बदबू नहीं आती, पता नहीं कौन आके साफ कर जाता। अभी पिछले बार उनका शरण शांत हुआ है। जब हम उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो नियम की आवश्यकता विधि की आवश्यकता नहीं, जब निधि मिल जाए तो विधि कैसे। महाराज एक बहुत बड़े संत युवावस्था में घर से निकल गए, पत्नी बच्चों को छोड़ करके अयोध्या खूब भजन किया, लौट करके आए अपने घर तो भगवान नाम लेना बंद कर दिया, स्नान ध्यान करना बंद कर दिया, देवालय जाना बंद कर दिया, सत्संग करना बंद कर दिया। लोगों ने कहा रे बाबा जी बना था, मैंने तो सुना कि कोई सोचा कि कोई बहुत बड़े संत बन करके आए होंगे, सुंदर माला भजन करेंगे, गांव को लाभ मिलेगा, लेकिन जब से आए नहाते धोते भी नहीं। लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई, इतने दिन संत बन करके रहे, किया क्या जीवन में। पत्नी भी सुनाती, अरे लोग कहते हैं शर्म आती है, अरे धोखे से ही भगवान नाम ले लिया करो, राम राम कर लिया करो, लेकिन धोखे से भी कभी वो राम नाम नहीं लेते। खूब पत्नी ने कहा अरे लोग बहुत गालियां दे रहे हैं, नाम ले लो, नहीं लिया। एक दिन पत्नी सो रही थी साथ में महाराज, रात को 2 बजे नींद खुली तो क्या देखे, सो रहे हैं और मुख से निकल रहा है हा राम राम राम। प्रातः काल जगी पत्नी और कहा ऐसे दिन में तो कभी राम का नाम नहीं लेते, आज सो रहे थे तो राम राम कर रहे थे, बड़ा ढोंग कर दे। संत ने कहा क्या कहा तुमने, मैं सो रहा था तो राम राम मुख से निकल रहा था। बोले हाँ इतना कहना था, शब्द स्तब्ध हो गए, भूमि पर गिर पड़े। बोले जिसको अब तक हमने हृदय में कैद करके रखा था, इन 25 वर्षों में तीर्थ स्थलों में जाकर जिसको अपनी वाणी में कैद किया था,
आज मुख के माध्यम से निकल गया। अब इस जीवन को रहने का कोई अभिप्राय नहीं रह गया। उसी समय शरीर का परित्याग कर दिया, इसको संभाल के रखा था, वाणी से निकल भाव की पराकाष्ठा, जिसको 25 वर्षों तक साधकर के हृदय में कैद किया, आज वृद्धावस्था में वाणी से देखो पराकाष्ठा। महाराज उड़िया बाबा जी के पास स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज जब विश्राम करते थे तो कहते थे कि उड़िया बाबा की रोम रोम से महाराज दीवत ध्वनि निकलती थी, कभी करताल की, मृदंग की, तरह तरह की। आप कोई उनके बगल में सोने न पावे, वो जिस कक्ष में सोवे उस कक्ष से महाराज हरिनाम संग वो सो रहे और हरिनाम संकीर्तन अपने आप हो रहा है वहां पर। यह अवस्था विधि कब तक? जब तक निधि की प्राप्ति न हो जाए। लेकिन जब आप विधि करेंगे तो उसमें बहुत ही महाराज बाधा आएगी, क्योंकि कलिकाल है ना, महाराज कलयुग चाहता नहीं कि आप भगवत भजन करने पावे। इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक भगवत भजन करें, परमात्मा से प्रार्थना करें, हे नाथ खूब विघ्न आ रहा है लेकिन ऐसे कृपा करो कि अभी जो हमारा मन आपके भजन में लग रहा है ये अनंत जन्मों तक मिलता रहे। आपका दिव्य वरद हस्त कमल हमारे मस्तक पर आ जावे, मेरे सर पर रख दो ठाकुर, ऐसा निवेदन करें। आइए एक बार भाव के साथ हम लोग निवेदन करें। मेरे मेरे सर पर रख दो ठाकुर, हो मेरे सर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ, मेरे प्यारे मेरे प्यारे आप में से कौन कौन है जो जन्म जन्म का साथ चाहते, तुम हाथ उठाए बड़े भाव से निवेदन करो। ओ मेरे सर पर रख दो ठाकुर, मेरे सर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो मेरे प्यारे के तुम्हें प्यार की छैया कर देना, प्यार की छैया कर देना। ये कोई भजन नहीं, ये एकदम स्तुति है, स्तुति मान के सब लोग करिए। झुलस रहे हैं गम के तुम्हें प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे हैं गम के तुम्हें प्यार की छैया कर देना।
बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लेना। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लेना। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लेना। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई दियारी ना। तुम हाथ पर देना देना हो तो देती है जन्म जन्म का साथ। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। राम हो तुम हे कृष्ण हो, हमने तुम्हें पहचान लिया। राम हो तुम हे श्याम हो, हमने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, साथ रहे जन्मों तक, रख लो इतनी सी बात। फिर से ओ मेरे सर पर रख दो ठाकुर, मेरे सर पर रख दो ठाकुर अपने ये देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का Thank you.
चाहे जैसी रखो प्यारे चाहे जैसी रखो प्यारे होती रहे मुलाकात। एक बार दोनों हाथ उठा के झूमिए। लेना हो तो mere sir par hi rakh de khater mere sir par hi rakh de khater apne ye dono haath मेरे सर पर रख दो ठाकुर मेरे सर पर रख दो ठाकुर अपने ये दामों चलो सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। हरिवंश राय बच्चन जी की वह पंक्ति, असफलता एक चुनौती है मन नहीं लग रहा देखो क्यों, असफलता
एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब न सफल हो तो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी खाटू नरेश की। प्रयास करते रहे, भगवत कृपा होगी। श्री भरत जी महाराज के जीवन में बहुत विघ्न आ रहा है। निषाद राज गोह ने अपने तमाम पहरेदारों को खड़ा कर रखा है, देखो क्या स्थिति है। महाराज निषाद राज के गुप्तरों ने जाकर के बताया, बोलेनाथ वो भगवान के शत्रु नहीं, भगवान के परम मित्र और भगवान के परम भक्त हैं। राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में उनकी बहुत प्रीति है, ठाकुर को नमन करने के लिए आए हैं। श्री भरत जी महाराज अपनी सेना को लेकर के भूमि को देखते हुए जा रहे हैं। जिन जिन स्थानों पर श्री ठाकुर जी ने विश्राम किया है, उन स्थानों को नमन किया है, उन स्थानों के मिट्टी को उठाकर के अपने मस्तक पर लगाया, मेरे ठाकुर यहां से पैदल चल करके गए। महाराज जिन जिन संतों से चर्चा हुई, उन संतों के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, बोले ये महान है, मेरे राघवेंद्र सरकार ने इनसे चर्चाएं की, ये साधारण नहीं हो सकते। महाराज नंगे पैर चल रहे हैं, बार बार मिट्टी के ऊपर दृष्टि जाती है, महाराज कांटे चुभते हैं पैर में तो रोना आता है। महाराज भगवती परम्मा ने पूछा, भगवान भोलेनाथ से रोना क्यों आता है, पैर में कांटे चुभते हैं इसलिए? बोले नहीं, बोले रोना इसलिए आता है, जो कष्ट मुझे हो रहा है ऐसा ही कष्ट मेरे राघवेंद्र सरकार को भी होगा। मेरे पैर तो फिर भी वज्र के समान है, लेकिन उनके चरण तो इतने कोमल है कि महाराज जब लक्ष्मी भी चरण दबाती है तो भगवान कहते हैं थोड़ा धीरे दबाओ, थोड़ा धीरे दबाओ। लक्ष्मी ने धीरे दबाना शुरू किया, बोले और धीरे दबाओ तो स्पर्श करने लगे, बोले थोड़ा और धीरे दबाओ तो महाराज अपने हाथ के छाए से चरण सेवा करने लगी। भगवान ने कहा अभी भी दर्द हो रहा है, जिनके चरण इतने कोमल है। महाराज जिन चरणों ने कभी मिट्टी का स्पर्श किया था, उन चरणों को जिसने महाराज कंक्रीटों में चरने के लिए विवश कर दिया, वह नमन के योग्य नहीं है। बार बार प्रणाम निवेदित कर रहे हैं भगवान को, माँ के प्रति बहुत द्वेष की भावना जागृत हो रही है। चलते चलते चित्रकूट की धरा पर पहुंचे हैं, साष्टांग प्रणाम निवेदित किया है, मंदाकिनी में स्नान किया और पहुंचे हैं स्वर्ण कुटीर पर, जहां राघवेंद्र सरकार विराज रहे हैं। जैसे ही पता चला श्री राघवेंद्र सरकार को भरत आए हैं, महाराज दौड़ते हुए राघवेंद्र सरकार पहुंचे, मानो मिलने के लिए कब से विकल हो रहे हो, दौड़ते हुए आए, हृदय लगा लिया है। व्रत महाराज जिस प्रकार से आपने श्रवण किया होगा पूर्व में, श्री सुदामा जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण की लगभग यही स्थिति है। प्रणाम निवेदित किया है, लंबी चर्चाएं हुई हैं। चर्चा होने के पश्चात भगवान को बिठाला है, पाद प्रक्षालन किया और निवेदन किया, नाथ यह सब क्यों किया आपने, पता है अब कितनी सोनी हो रही है आपके बिना, सब लोग आपको स्मरण कर रहे हैं, आपने जो माँ को वचन दिया था वह पूर्ण हो गया, अब आप कृपा करके चले। भगवान ने कहा नहीं भरत, अब नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले अब वापस जाऊंगा तो
जो इस अवतार का ध्येय है, जो उद्देश्य है, वह पूर्ण नहीं हो सकता। भरत चरत को राम स्नेही, वह पूर्ण नहीं हो सकेगा। बड़े बड़े संत इंतजार में वनों में बैठे हैं, उनको दर्शन देना है। और भरत, रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, उनको नष्ट करना है। बहुत लंबे कार्य हैं। आप अवध को देखो, मैं जगत को देखता हूँ। आप अवध की सेवा करो, मैं जगत की सेवा करूंगा। बहुत सुंदर चर्चा हुई। महाराज, भरत जी जानते हैं मालिक बनने में फायदा नहीं, सेवक बनने में ही फायदा है। इसलिए बार बार भगवान को प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। बड़ी लंबी सुंदर सुखद चर्चा हुई। महाराज तुलसीदास बाबा बार बार भावुक होते हैं, कहते हैं इस चरित्र को जितना गाया जाए उतना ही कम है। भरत चरित्र है ही इतना सुखद और दिव्य। महाराज इतना यह दिव्य चरित्र और सुखद है। प्रणाम निवेदित किया, चरण प्रक्षालन किया है, प्रणाम निवेदित किया है। भगवान ने कहा अब आप प्रस्थान करें। श्री भरत जी महाराज ने कहा आपके आदेश का मैं पालन करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा। तो कैसे? बोले नाथ, राज गद्दी पर मैं बैठूं आपके रहते हुए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप अपनी पादुका प्रदान करें। भरत जी महाराज ने निवेदन किया। राघवेंद्र सरकार ने कहा पादुका को लेकर के क्या करोगे? बोले महाराज यह पादुका हमारे जीवन का आधार बन जाएंगे। भगवान ने कहा आधार, अरे यहां से लेकर के जाओगे भार बन जाएगी यह पादुका। बोले महाराज भार नहीं बनेगी, महाराज यह पादुका हमारे जीवन की आधार बन जाएगी। मेरे ऊपर जो आप भार दे रहे हैं अवध का, मेरे मस्तक पर यह पादुका होगी, तो इस पादुका के ऊपर सारी भार आ जाएगी अवध की। इसलिए यह पादुका हमारे लिए भार नहीं, हमारे जीवन का आधार हो जाएगा। भगवान प्रसन्न हुए हैं, प्रफुल्लित हुए हैं, बहुत हृदय गदगद हो रहा है। प्रणाम निवेदित करने के पश्चात भगवान ने बहुत सुंदर आदेश दिया, आशीर्वाद दिया। पर आज भरत जी महाराज ने प्रस्थान किया है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज चरित्र को यही विश्राम करते हैं। कल जो है केवट प्रसंग, श्री शबरी जी के यहाँ भगवान जाएंगे और हनुमत चरित्र आदि का हम लोग दर्शन करेंगे। कथा के माध्यम से सुंदर कांड का दिव्य श्रवण करेंगे। बहुत सारे विरह के प्रसंग हैं, हिम्मत नहीं होती विरह के प्रसंग को बोलने की, चूंकि थोड़ा भावुक हूँ। भागवत कथा में तो गा लेता हूँ, उसका कारण ये है कि मात्र दो महाराज भावुक प्रसंग हैं वहाँ पर, मथुरा गमन और उद्धव, गोपी संवाद और थोड़ा गोपी गीत रास पंचाध्याय में भी। नहीं तो श्री राम कथा में तो तीसरे दिन के बाद से फिर करुण प्रसंग ही है, भगवान का वन गमन होता है। लेकिन फिर भी भगवत कृपा गाना तो है। कल जो है हनुमत चरित्र, शबरी चरित्र आदि का हम लोग दर्शन करेंगे। और परसों जो है, आज सप्तम दिवस है ना, परसों भगवान का राज्याभिषेक होगा। भगवान रावण का उद्धार करेंगे, अवध में लौटेंगे और परसों ही कथा विश्राम हो जाएगी। पता नहीं चला ये समय कैसे निकल गया, निकलता जा रहा है। परसों भगवान का राज्याभिषेक होगा और तरसों इस कार्यक्रम के मूल में जो है भगवान खाटू नरेश की अभ्यर्थना, वह 26 तारीख को बहुत ही धूमधाम से यहाँ मनाई जाएगी। बड़े बड़े भगवान के गुणगान करने वाले भक्त पधारेंगे। श्री निशा शर्मा जी, निशा ही नाम है ना, निशा शर्मा जी, गोविंद जी मुंबई से, दिल्ली से, जयपुर से, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आएंगे, उनका दर्शन करेंगे।
लेकिन उससे पूर्व परसों जो है भगवान का राज्याभिषेक होगा। मैं निवेदन करूंगा समिति से, परसों के दिन भगवान का जब राज्याभिषेक हो, उस दिन पूरे अवधवासी में दीपोत्सव मनाया गया था, तो अगर हो सके, संभव हो सके, तो सबके द्वारा दीपदान करवाया जाए, सब लोग एक साथ आरती करें, और यदि संभव नहीं हो तो कम से कम परसों भगवान का जब राज्याभिषेक हो तो कम से कम 108 थालियां आरती की लगे और 108 आरती एक साथ जले और भगवान की दिव्य आरती महा आरती परसों हो, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। और निवेदन ही नहीं बल्कि आदेश भी, कम से कम 108 थाली तो लगे। और सुनो, जो उस आरती में सम्मिलित होगा, भगवान राजा बनने वाले हैं ना, भगवान को राजा बनाने के उद्देश्य से जो महाआरती में सम्मिलित होगा, उनका धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ उनके शब्द होंगे। तो अब आपकी संख्या तो ज्यादा है, सबके लिए संभव नहीं, तो 108 आप लोग जो जो चाहें कि हमें आरती मिले, तो सब लोगों के सहयोग से ही यह कार्यक्रम हो रहा है, तो आप आरती के यजमान बन सकते हैं और अपना नामांकित आप करवा लें हमारे समिति में, श्याम कृपा मंडल में, अध्यक्ष भगवान, सचिव भगवान के सामने आपको आरती प्राप्त होगी और दीपिता से 108 आरती थालियां सजेंगी, भगवान की दिव्य आरती होगी परसों, उसमें आप सब लोग बढ़ चढ़ के आज ही अपना नामांकन करवाएं। और कल जो है हनुमत चरित्र बहुत धूमधाम से मनाएंगे, हनुमान जी की गाथा गाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज जी एक ऐसे देव हैं जिनका चारों युग प्रताप तुम्हारा, श्री हनुमान जी महाराज का प्रताप चारों युग में है, श्री हनुमान जी ऐसे देवता हैं, तो कैसे प्रताप है उनका, यह भी हम दर्शन करेंगे बड़े भाव के साथ में। अब जो है अभी आरती, पिता श्री कुछ बोलेंगे, आप बोलोगे, अच्छा झांकी के अंदर आए, क्या कहना, बहुत सुंदर, उससे पर कुछ बोलोगे, अच्छा परसों देखिए ब्रज की परसों होली भी होगी, देखिए कितना सुंदर सुखद समाचार दिया है इन्होंने, परसों जो है होली भी होगी, वृंदावन में तो आप होली मनाना ही, यहाँ भी परसों ब्रज की चकाचक होली होगी, जग हो रही ब्रज हो रहा। तो अभी झांकी का दर्शन होगा, महाराज भगवान रामचंद्र और भरत जी का दर्शन, उसके पश्चात आरती प्रसाद सब लोग लेकर प्रस्थान करेंगे। आइए एक बार भाव से तब तक गाएं, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, सब गाइए, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बाल कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम बाल कंगना, आओ आओ हरि जिमेना, आओ आओ हरि जिमेना, आओ हरि जिमेना, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बाल कंगना, Thank you.
मेरा मन पापी तुम पाप करना छोड़ दे, 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 दुनिया से नाता तोड़ तुम किसी जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ दुनिया से नाता तोड़ तेरे सन जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ तेरे सन जोड़ ले, यही मांग मेरी, 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 और कछु मांगना, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, प्रेम का कंगना किस किस ने बांधा थोड़ा बता तो दो, अरे बताओ ना, बैठे बैठे थोड़ा ठुमके लगा के बता दो, किस किस ने प्रेम का पन्ना बांधा है, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, सुनिए पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा अब कर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा तू कर दे, ऐसे नाता थोड़ी जुड़ेगा, आप ऐसे बैठोगे तो है, थोड़ा बताओ ना कि हम नाता जोड़ना चाहते हैं, हाथ उठा के बताओ, बंद करिए, आपकी तालियों पर भजन गाएंगे, उठाओ हाथ, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा अब कर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा तू कर दे, तबला से अधिक आवाज आनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर, ओ तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा अब कर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा तू कर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा अब कर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा तू कर दे, मेरे रंग ऊपर है, मेरे रंग ऊपर है, मेरे रंग ऊपर है, मेरे रंग ऊपर है, तेरे रंग ऊपर है, मेरे रंग ऊपर है, तेरे रंग ऊपर है, मेरे रंग ऊपर और चढ़े रंगना, रंग ऊपर और चढ़े रंगना, आओ भनीज मोरे अंगना, आओ बाबा जी मोरे अंगना, आओ बाबा जी मोरे अंगना, बांध लिया मैंने बांध लिया, बांध लिया मैंने बांध लिया, बांध लिया मैंने बांध लिया, 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 बांध लिया, मैंने बांध लिया, प्रेम बाल पूर्णा, बांध लिया प्रेम बाल पूर्णा, आओ 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 आओ
श्याम प्रभु तेरा बिरजाओ ए मेरे श्याम प्रभु तेरा बिरजाओ ए मेरे श्याम प्रभु तेरा बिरजाओ ए श्याम प्रभु तेरा बिरजाओ तेरा बिरजाओ के तुम मारी जाओ 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 मुझे प्रेम की ही 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 दौर में बदलना मुझे प्रेम की दौर में बदलना मुझे प्रेम की ही दौर में बदलना दोनों हाथ ऊपर उठा के झूमिए आओ हरि मेरे आओ हरि मेरे